Good morning, modern stars. How are you all? Hope all are very good and also enjoying your online studies. Dear student, once again, I am here with your new video. Today in this video, I discuss about that your chapter 13, simple present tense exercise 2 and 3. So everyone, take out your book and open your page number 53. So class, सभी बच्चों को ध्यान देना होगा कि एक्सरसाइज टू जो लाइव क्लास में आपको वर्क दिया गया था, जिनमें से कुछ बच्चों ने क्लास में प्रेजेंट किया है वर्क को, आज मैं एक्सरसाइज टू सॉल्व करके आपको बता रही हूँ. सभी बच्चे ध्यान देंगे. इसमें आपको सर्कल द करेक्ट ऑप्शन करना है और आपको रूल्स बताए गए हैं कि प्रेजेंट टेंस में हम किस तरीके से सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए कौन कौन से रूल्स इस्तेमाल करेंगे. बेटा, आपको पता होना चाहिए कि जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो उसमें हम वर्ब में एस और ई एस यूज़ करते हैं और ये हमेशा थर्ड पर्सन में ही होता है. ओके, तो आपका सिंगुलर वर्ड है, जैसे सी क्या है, थर्ड पर्सन है. ओके, तो यहाँ पे सी मानस नेम है तो ये भी थर्ड पर्सन है. यू आपका सेकंड पर्सन है, ही आपका थर्ड पर्सन है और शीला आपका थर्ड पर्सन है. तो बेटा, जहाँ पर भी थर्ड पर्सन होगा, ही, शी, इट या फिर नेम, वहाँ के वर्ब में एस या फिर ई एस इस्तेमाल किया जाएगा. ओके, तो सेंटेंस आप ध्यान से देखेंगे और इसमें आपको पहले ही लाइव क्लास में समझा दिया गया है, इसको आपको देखकर फिर से कंप्लीट करना है और इसको क्लास में शो करना है. नेक्स्ट एक्सरसाइज आपका फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है. इसमें बेटा आपको ब्लैंक से वर्ब को देखना है और सेंटेंस के अकॉर्डिंग इसको आपको करेक्ट करके राइट करना है. ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ गया होगा. देखिए, जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, सी ग्रोस कैबेज इन द गार्डन. अब देखिए यहाँ पे ग्रो का ग्रोस क्यों होगा, वही आपका थर्ड पर्सन वाला रूल. जहाँ पर थर्ड पर्सन होगा और सिंगुलर होगा, वहाँ के वर्ब में एस या फिर यस ऐड करेंगे. ओके, तो ग्रो में हमने एस ई ऐड कर दिया तो ग्रो का क्या हो जाएगा, ग्रोज हो जाएगा और आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, सी ग्रोस कैबेज इन द गार्डन. एंड नेक्स्ट भी इसी तरीके से कृष्णन भी बेटा थर्ड पर्सन है, कृष्णन ही है, नेम है, इसलिए यहाँ पे मेक का मेक्स हो जाएगा. आई आपका फर्स्ट पर्सन है तो आई का फर्स्ट पर्सन में कोई एस और ई एस नहीं ऐड होगा, इसलिए यहाँ पे लव का लव हो जाएगा, आई लव टू ईट फ्रूट्स. नेक्स्ट देखिए, वी भी आपका फर्स्ट पर्सन है तो इसलिए यहाँ पे वी प्ले फुटबॉल इन द कोर्ट. ओके, एंड नेक्स्ट है द ट्रेलर. टेलर कौन होता है बेटा, टेलर होता है ही और ही आपका थर्ड पर्सन है, इसलिए स्टिच का हो जाएगा, स्टिचेस, तो आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया, द टेलर स्टिचेस क्लोथ्स. एंड नेक्स्ट ही कौन होता है, ही भी थर्ड पर्सन होता है तो इसलिए थर्ड पर्सन की जगह पे हमेशा हम वर्ब में एस और ई एस ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा सेंटेंस, ही स्लीप्स ड्यूरिंग द डे. ओके स्टूडेंट्स, आपको फर्स्ट वीडियो में और लाइव क्लास में समझाया गया है कि किस तरीके से हम सिंपल सेंटेंस को पहचानेंगे और रूल्स को सभी बच्चे वीडियो के ज़रिए समझेंगे और एक्सरसाइज को बुक में फिल करेंगे, सॉल्व करके क्लास में शो करेंगे. दिस इज़ योर टुडे वर्क. ऑल स्टूडेंट एंजॉय योर वीडियो एंड टेक केयर.